एवरीवन, आई एम अमन। तो आज का वीडियो में मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूँ कि अगर आप बाहर जाना चाहते हो, इफ यू वांट टू गो समवेयर एक्सेप्ट देन इंडिया अदर कंट्री, सो यू नीड अ करेंसी ऑफ देयर कंट्री, राइट। सो अगर आप कोई भी कंट्री में जाना चाहते हो तो वहां की आपको करेंसी चाहिए, वहां की आपको नोट चाहिए, सिक्के चाहिए, क्वाइन चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो अगर आप जब वहां पहुंच जाओगे और तब जाकर अगर आप करेंसी एक्सचेंज करते हो तो आपको बहुत ही कम अमाउंट मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आप US जाना चाहते हो तो जैसे कि अभी करेंसी रेट मान के चलो 70 रुपये चल रहा है, तो अगर आप वहां पर पहुंच कर वही चीज को एक्सचेंज करोगे तो आपको यहाँ का 90 रुपये वहां देना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे करोगे खुद से तो आपको 75 रुपये देना पड़ेगा। सो टुडे माय वीडियो इज हाउ टू गेट अ चीप करेंसी एक्सचेंज रेट बाय यूजिंग ऑनलाइन सम वेबसाइट। सो टुडे आई एम गोइंग टू यूज अ ओरिएंटल एक्सचेंज, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट वेबसाइट और ऑल्सो ऑफिस इज अवेलेबल lot of city. I'm going to show you Thai baht. So how we purchase a Thai baht when we given a Indian currency. So given extra 230 rupees and I purchase a Thai baht by using Oriental Exchange online. So let's when I show then you have to be understand. So better understanding के लिए आइए हम लोग इस वीडियो को देखते हैं। तब तक इस गाने को आप enjoy कीजिए। अभी मैं सर्च कर रहा हूँ फॉरेक्स एक्सचेंज और ये मैं गूगल में सर्च कर रहा हूँ, ये बहुत सारा जो है ये आ गया, पर मुझे डायरेक्ट एक पार्टिकुलर पे जाना है जिसका नाम है ओरिएंट। तो आप ये देख रहे हो ओरिएंट ओरिएंटल एक्सचेंज है, इस पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ जहाँ से मैंने एक्सचेंज किया था। इस पे रेट बहुत ही सस्ते पड़े थे और मुझे बहुत अच्छे लगे। तो ये आप जो देख रहे हो ये लोकेशन है, इतने सारे सिटी में इसका ऑफिस अवेलेबल है। अब देख रहे हो अभी मैं चेन्नई में हूँ तो मैंने चेन्नई सेलेक्ट किया है और अब मैं आगे प्रोसीज कर रहा हूँ। और अब आप देखो यहाँ पे ये इसका कार्ड रेट था, तो मुझे क्या लेना है, थाई बाट लेना है क्योंकि थाईलैंड में थाई बाट चलता है। और मैं यहाँ पे कैश में लूँगा क्योंकि मुझे फोरेक्स कार्ड नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो मेरे को कितना चाहिए, मेरे को 8000 थाई बाट चाहिए जो कि इंडियन करेंसी में 19000 आ रहा है। तो आप ये देख रहे हो लगभग सीधा डबल के थोड़ा ज़्यादा आ रहा है। तो अभी मैं यहाँ से बुक नाउ कर रहा हूँ और जैसे ही बुक नाउ करोगे आप यहाँ पे आपको आईडी बनाना पड़ेगा। अभी जो मैं हूँ अपना आईडी नहीं खोल के गेस्ट लॉग कर रहा हूँ। तो आप ये देख रहे हो जैसे ही मैंने गेस्ट लॉगिन पे क्लिक किया ये मेरा डिटेल जो था, मेरा पहले जो मैं लिया था उस पर ये सारा था, तो इस हिसाब से आ गया। और अपडेट करने का तो मुझे अपडेट नहीं करना है, मुझे आगे प्रोसीड करना है। तो जैसे ही मैंने आगे प्रोसीड किया ये मेरा ऑर्डर समरी है, ये सब आप देख रहे हो जो भी है, ये अमाउंट है इतना लगेगा। और इसके बाद कुछ प्रोसेस है जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे रेट है, कैश है या ये है और ये टर्म एंड कंडीशन है। इसके बाद इसको फिल करते हुए हमें कहाँ जाना है, किस कंट्री में जाना है, तो हमें थाईलैंड जाना है, ठीक है। किस डेट को जाना है ये आप मतलब जिस डेट का आपका टिकट होगा वही डेट सेलेक्ट करना, और इतने सारे डॉक्यूमेंट आपको होने चाहिए तब जाके आपका ये फॉरेन एक्सचेंज होता है, तब जाके आपको इंडियन करेंसी से अदर कंट्री का करेंसी आपको ये मिलता है। जैसे कि पासपोर्ट होना चाहिए था जो कि आप वहाँ पे देख रहे थे, पैन कार्ड होना चाहिए था, एयर टिकट होना चाहिए था, तो तीन चीज़ कंपलसरी होते हैं। तो ये जैसे ही मैंने प्रोसीड किया इसके बाद मेरा सारा कुछ डिटेल आ गया, टर्म एंड कंडीशन था उसको अप्लाई करना था। और जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे यहाँ पे आपका सारा डिटेल आ गया, मेरा जो लोकेशन है वो चेन्नई है, मैं चेन्नई लोकेशन पे किया था, ये मेरा एड्रेस है, ये मेरा नेम है, ये मेरा ऑर्डर आईडी था। और आप देख रहे हो इतना अमाउंट मुझे पे करना है तब जाके मुझे 8000 बाट मिलेगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन था, इसको कन्फर्म करके सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट कर दोगे पेमेंट आपका खुल जाएगा। तो आपका यहाँ पे पेमेंट यहाँ पे दो ऑनलाइन जब आप करोगे तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करना है, लेकिन जब आप ब्रांच विजिट करोगे तो आप कैश में पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो आप जब अगर ऑनलाइन बुक करते हो तो आपका जो ये रेट है, जो एक्सचेंज रेट है वो फिक्स हो जाती है। तो अभी जो है ये आपका जो 19,659 दिख रहा है ये आपका 6 बजे शाम तक का फिक्स हो गया, मतलब जिस डेट का आप बुक करोगे उस दिन के लिए फिक्स हो जाता है। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।